ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हम निकलने वाले हैं, वो भी 2 घंटे के बाद। गाड़ी का देख लेता हूँ फ्रंट से कैसी होगी इस टाइम। ओए यार, इनको पुलिस वालों को सल्यूट है। अपने ऊपर से छाता ढा के तान के ऊपर रख दिए छाता में। क्या वो ही समझा रहे हैं कि ब्रेक छोड़ छोड़ के लगानी है। गाइस गाड़ी भी एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। टनल कर दी हुई है बंद मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे भी पड़ गई है बर्फ और पीछे भी पड़ी। हाँ वो तो आते पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुकी है नई सुबह और तुम्हें मैं दिखाता नज़ारे। ये खड़ी हमारी छमको, और देखो सामने पहाड़ में बर्फ, और यहाँ पे भी बर्फ पड़ी थी रात को, बारिश हुई ना बहुत ज्यादा। और ये सामने बालकनी है ईशु की। आ गया ईशु, आ गया ईशु, देखा। और क्या हाल चाल है, ठीक हो? और रात को नींद आ गई थी जी? बढ़िया, ठीक आ गई थी ना नींद? बढ़िया। जल्दी उठो नहाओ, और 8 बज गए हैं। नैना आ गई है, नैना को दिखा ही नहीं सकता मैं। ओ कबूतर, सारे गैंग इकट्ठी हुई है कबूतरों की। अच्छा मैं नहा चुका हूँ इस टाइम मजे से। मेरे मैं और काशी नहाए इकट्ठे, है ना? मुन्नु को तो नीनी भी आ गई, मेरा बच्चे को। काशी ये सही है आपको? नो, सुबह 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 नहीं खाते। ए धनंजय भी उठ गया। ए मेरा बच्चा, ओ कौवा। अच्छा बस सब ऑलरेडी नहा चुके हैं, सिर्फ चांद गई है नहाने, बाकी सब नहा चुके हैं। ईशु भी नहा गया, सब नहा गए हैं। और अब हम निकलेंगे अल्ट्रा टनल को। क्यों भी बच्चों, ये कमरे का हाल देखो कितना बुरा हाल है। ओए होए, ये कौन है? काशी, चांद आ गई ना के? काशी तो क्या बोल रहा है मुन्नू? ये देखो कौन आया, धनंजय। तो तैयार भी हो गया मेरा मुन्नू, हैं? ओए मेरे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? वो देखो दुद्दू तैयार भी हो गया। मेरा बेटा क्या कर रही है? तंग काशवी, तेरी झुंडू किसने की है? दोनों अलग अलग लेवल में। ये चांद तैयार होगी, हम सब रेडी हैं। अब सिर्फ करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और धनंजय और धनंजय का पापा। अरे मुन्नू चलो चलो, ब्रेकफास्ट करेगा मुन्नू, है ना? चल। गाड़ी को बज गया कपड़ा लग गया, और कोल्ड स्टार्ट किए भी मैंने, थोड़ी देर स्टार्ट कर लेते हो गाड़ी को, फिर चलाने के लिए ठीक हो जाएगा ना। भाई सुबह थोड़ा स्ट्रगल किया इसमें, क्योंकि ठंड थी ना रात को, और डीजल इंजन में प्रॉब्लम तो होती है यार। देखते फिर से। अब ओके, अब ओके काम। अपना ही मनाली में अपना ही होटल मिल जाए ना, ये फीलिंग है फिर, है कह बैठे ना। ओ क्या हुआ मुन्नू को? इस होटल की मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना? और मंजुल मिलेगा यहाँ पे, हमारा भाई छोटा भाई। अब अच्छा रेस्टोरेंट वहां बैठेंगे हम खाना खाने ना। सो गैंग आ गई सारी, है बासिकपुर नहीं, परांठे आ गए हैं। डाइट गई बाढ़ में। पहले परांठे खाते हैं नहीं चा काश्मीर भी। सो अब हम निकल पड़े हैं होटल से, और देखो होटल के लिए रास्ता कैसा था। सारी गैंग आ चुकी है। काशवी वो देखो, ओए काशवी तो त्याज ही होके बैठ गया, मुन्नू सब बैठ। अभी हम चले हैं हडिम्बा माता मंदिर, माथा टेक लेते हैं। क्या चीज, 2 दिन का? 2 दिन भी कम है तो देखो। नहीं जी, ओए धनंजय बहुत बंदे हैं जी, इतने आंख में नहीं आएंगे। है चांद काशवी है नहीं?
काशु इज नॉट इंटरेस्टेड। ये बाजार है इसका, हडिंबा माता मंदिर को। चलो चांद देख ले ऊपर, सीढ़ी आई है सारी। चलो चलो बस। चलो 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 के लिए शॉपिंग होगी। जनन जी दिखाओ जरा से, ओए मेरा पुतल। ओए हाँ, देखने के पैसे नहीं है। ओह आ जाओ, नहीं आज थगी काशवी है, काशवी थगी, काशवी थगी। इस साइड से पहली बार आया मैं। अच्छा ओ ये तो अच्छे लाइन है लगी हुई है। अच्छा ओ मेरा बच्चा थक गया मेरा मुन्नू है। चलो काशवी आ जाओ, आपकी फोटो खींचू मैं। मेरा कद्दू, मेरा कद्दू, मेरा कद्दू। इधर को आ। काशवी ने बलून, आ जाओ लेजेंड बंदे आ रहे हैं, लेजेंड यहाँ पर। अभी हम निकलने लपड़े, रश बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जिस टाइम हम यहाँ आते थे खाली होता था मंदिर बिल्कुल। मैं बल्कि अंदर फोटो खींची एक बार। इसने पैसे उठाने यहाँ से, पैसे उड़ेंगे वो मैं थोड़ी देर में। सिर के लिए अब हम जा रहे हैं कार के पास, और मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस टाइम पे बच्चों की। दाऊवे के पास काशवी है, ईशु के पास धनंजय है, और मेरे पास फोन है, और भाभी के पास अपने दुखे हुए हाथ है। ये हमारे संजू चाचा मिल गए यहाँ पे, ये हमें अब शॉर्टकट रास्ते से अटल टनल लेके जाएंगे। जरा वीडियो बना बाहर की। अरे भैया थोड़ी गाड़ी हटाइए प्लीज, हमें बहुत दूर जाना है। ए बहुत दूर जाना है, आज तो जाम में फंसे रह गए हम। तो टैक्सी वालों को पता है यार। ये बारिश शुरू हुई, मतलब ऊपर बर्फ पड़ रही है। गाइस आपको कुछ दिखाएं, देखना चाहते हैं आप कुछ? ये देखिए, ओए होए कितना ऊपर से आ रहा है यार। देखो इस टाइम ऊपर बर्फ पड़ रही होगी पहाड़ों में, मजा ही आ गया। नहीं
ये नई सड़क में आया हूँ मैं पहली बार। ये उन्होंने भाई ने बताई हमें, चाचू ने, भाई बोल रहा मैं, चाचू है मेरे, उन्होंने बताई सड़क कितनी अच्छी लग रही है यार। अल्टीमेट कितनी ऊपर से आ रहा पानी, देखो जरा, ये तो वो लग रहा है बाहुबली वाले सीन। इतनी अच्छी जगह लग रही है ना, कौन सी जगह है ये, ओल्ड मनाली? अच्छा, यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। ये तो बड़े ध्यान से निकालने पड़ेगी यार गाड़ी, देखना उस साइड कौन है, देखना ठीक है। ओह माय गॉड, थार वाला बड़ा मजा आया। थार भी चल जाएगी ना, कितना डर लगा ना वहां पे जो हिल रहा था ना वो बुल। ओ यार अल्टीमेट, क्या एक्सपीरियंस मिल रहे हैं आज के दिन में। लो अभी हम पड़ गए जिगजैग वाले रोड में। कितने जिगजैग होते हैं, कुछ नहीं यार इसको गिरने में है, बताते क्या है, नो पिन रोड है कि कितने है ना, कुछ ऐसा है ना सिस्टम। अरे वाह यार कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर ना बर्फ पड़ रही है सामने, देखो दिख रहा है ना पहाड़ में आपको सामने, वहां जाके बर्फ पड़ रही है इस टाइम। बिल्कुल यहाँ पे हम आए थे 2 साल पहले, तो यहाँ पे हम इशू सुबह ही पहुंच गए थे 7 बजे ना, और यहाँ पे तब बंद होती थी टनल उस टाइम, तो यहाँ पे रोक दिया हमें। मैं ये शिवम था, वंशु था, और हाँ व्लॉग भी है उसका, लिंक डाल दूंगा मैं, देख लेना उसका व्लॉग उस टाइम का। और पर उस व्लॉग में ना कॉपीराइट था, आ गया हुआ मुन्नू शो गया मेरा। यहाँ पे ना ड्यूक लेके आया था उस टाइम, अटल टनल नहीं बनी थी तो रोहतांग सीधे जाते थे तब, तो चांद यार उसका ना ड्यूक का ना फैन ऑन ही रहा, इंजन का बंद ही नहीं हुआ, वो इतनी फास्ट लेके गया ना उसको ऊपर में। एक तो ऑक्सीजन कम होता है, उसका पंखा वैसे चलता रहता है, और जब खड़ी कर देते बंद तब तो बंद ही हो जाता है वैसे, पर उसको ऑन ही रहा, घूम आवाज आए है ना। यहाँ पे ना टैक्सी वाले ना पास नहीं देते ढंग से, बिल्कुल बीच में ले आते गाड़ी, पर अभी पास लिया मैंने, उसको भी पता लगेगा अभी बाप गया उनका पीछे से कोई तेज। पास ना दे, बार बार बीच में ले आए गाड़ी कि ये गियर चेंज है, बस फिर फुंकारते निकली गाड़ी है ना, देखो बीच में लेके आया गाड़ी। देखा तुमने ऐसे, ओ टाटा का योद्धा 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 योद्धा, कितना अल्टीमेट लग रहा है यार। बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है ऊपर, वो भी लग रहा है जब पूरी बर्फ पड़ी होती है, वो दिखाई नहीं देता ना, चश्मा पहनना पड़ता है। So, हम पहुंच गए अटल टनल। खिंचा ले फोटो फिर कि आते आते खिंचाने। लो जी इस साल की तो पहली बार आ गए हम टनल। काश्मी का एक्सपीरियंस, वाह काश्मी कैसा लग रहा है मुन्नू को, वाह काश्मी सो सरप्राइज्ड है। अच्छा मजा आ गया काश्मी, वाह शी सो हैप्पी, वाह है ना मुन्नू बहुत ज्यादा खुश है, वाह कितना इसका ले देख रहे आप है एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, वाह काश्मी वाह। पहले साइड जाके आते हैं,
इस साइड है ये रोहतांग को जो सड़क चल गई। ओ ठेका भी है यहाँ पे तो। oh my God, तेरे हाय। चिकन कॉर्नर। ये देखो स्नो स्नो लगी पड़ने यहाँ पे। वो देखो फ्लेक्स निकल रहे हैं ना। कैमरे में पता नहीं दिख नहीं रही होगी। हम यहाँ लगा देंगे ना कहीं गाड़ी साइड में करके। ओए आगे से देखना क्या व्यू है यार पहाड़ी। एक नजर में तो पूरी भी देखी हो रही है। चलो देख लेते हैं कितना घूमना तुमने। ओए यार कितना अल्टीमेट व्यू आ गया देख अगे बर्फ के पहाड़। ओए ओए दोनों तरफ ये जम गई है बर्फ। नाली में देखो कल इसको वो गीला हो गया यार इसका पजामा नीचे गिरी ना थोड़ी सी। वैसे यहाँ पे वो लगती बर्फ शरीर में ना फिर वो अंग काटना पड़ता है बॉडी का। So, हम कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय ये काश में अलग ही लेवल है। दादू की माचिस लेके क्या कर रही तू। सीट पर रखी पैर उसने। ओ देखो गाइस कितनी ऊपर तक का पहाड़। आप सोच नहीं सकते कि कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। सब गायब हो गए यहाँ से लोग। बड़े मजा आ रहा है यार अल्टीमेट। ये देखना है तो पिछले साल यार आई थोड़ी सी पिछले जो आ रहे थे तब भी नहीं पहुंच पाए थे। चल पड़े यहाँ तक पीछे पॉइंट में यहाँ तक आया हूँ। उसके बाद सड़क चल जाती है रोहतांग। कितने किलोमीटर लिखा था रोहतांग का रास्ता। बच्चों के साथ ट्रिप में जाने के लिए पहले बोतल ही धोने पड़ती है दूध की है ना। बाद में व्लॉगिंग करो। तुम्हें मैं
जगह जा रहा हूँ वो मैंने खुद इतने टाइम बाद देखी है। हम जब छोटे छोटे थे तब हमने रोहतांग में देखी थी, दोनों साइड पहाड़ बरस के सड़क। जो गंदी बर्फ है, पोल्यूशन, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है ना जी, इसकी वजह से ये जो पीछे लगी है ना ये काली, वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब कर लेती है अंदर। पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं यार, यहाँ पे डर लग रहा है देख के। और स्नोफॉल लग पड़ी फिर से होने, पहले जब हम पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल थी यार। ओ खड़ी सेल मेरी, ओ देखो इतनी दूर। गाड़ी तब से स्टार्ट ही है जब हम पहुंचे यहाँ पे। हाँ क्या ऊंचे पहाड़ है यार, पर फौजी हो यार यही करते ट्रेनिंग, ऐसे जो माउंट क्लाइंब करते हैं ना वो सीधे पहाड़ चढ़ जाते हैं। देखने से डर लग रहा है। और यहाँ पे भी बड़ा ऊंचा पहाड़ पहुंच गए जी गाड़ी के पास, बर्फ लग पड़ी और गिरने। ये रहा अटल टनल का एंड एग्जिट पॉइंट है, हम जा रहे सिसु वाली साइड, सिसु लेक। बर्फ तो बड़ी पड़ रही है यार, फॉल हो रही है बहुत ज्यादा। देखो लाहौल को सड़क, बताना कैसे लगे आपको वो शॉर्ट्स हमारे। बच्चा काशु गिरना मत पुत्र, अभी आपके कपड़े चेंज किए थे है ना, ओके। उधर छप छप करती चली गाड़ी, देखो गाड़ी बिल्कुल, ओ क्या बढ़िया स्टाइल से हुई गंदी।
तो आपने घूम ही जा रहे हो आप। इसको खुल मस्ती चढ़ गई अब। आराम से काशी तो कर रहे एंजॉय। ओए मेरा बच्चा धनंजय भी मजे कर रहे है ना। हाँ जी मेरा बच्चा सिसु आए तो मैगी ना खाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तेरे लिए रखी मैगियां वो खा ले। ये मोमोज मंगाए मैंने फ्राइड है ना इशू। सबसे हॉट सेलिंग गाड़ी दोनों सामने खड़ी है। देखो गाइस एक तरफ फॉर्च्यूनर है जिसपे 50 लाख रुपए खर्चने हैं और दूसरी तरफ स्कॉर्पियन है जिसपे 15 लाख रुपए खर्च के भी सर जाएगा। कितना फर्क है और देखो बराबर लग रही है दोनों। गाइस स्नोफॉल आ गई एकदम से। अभी मौसम साफ था और स्नोफॉल आ गई एकदम से। ओए ओए इसको मतलब उधर बड़ी ज्यादा बर्फ पड़ रही होगी तो स्नोफॉल बहुत ज्यादा तेज हो गई हुई है। ओए 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 अल्टीमेट खतरनाक ही बर्फ पड़ रही है अब तो। ओए ओए लास्ट में हमारे सफर के आखिरी में जाके मिली हमें बर्फ। गाड़ी का देख लेता हूँ फ्रंट से कैसी होगी इस टाइम। ओए ओए तो जम गई सारी। ओए ओए